दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसफर डोमेन फ्रॉम नेमचीप अकाउंट टू होस्टिंगर अकाउंट। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि नेमचीप इंडिया में बैन हो चुका है। नेमचीप डोमेन को होस्टिंगर में ट्रांसफर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेमचीप का जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। अभी नेमचीप का जो अकाउंट है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ओपेरा यूज़ किया, इसका वीपीएन यूज़ किया। ओपेरा का जो वीपीएन है उसको ऑन करिए एंड नेमचीप अकाउंट को ओपन करिए। बहुत ही आसान है नेमचीप अकाउंट ओपन करना। आप कोई भी वीपीएन यूज़ करके नेमचीप अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद अपना डोमेन को देख लेना है, जो डोमेन नेमचीप में के अंदर है आपका, उस डोमेन पे जाके मैनेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे शेयरिंग एंड ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो जो अनलॉक है इस पे क्लिक कर देना है। सो डोमेन अगर लॉक होगा तो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा ट्रांसफर के लिए। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक पॉपअप दिखाएगा, यहाँ पे अदर्स चूज कर लेंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ऑथेंटिकेशन कोड होगा आपका, जो रजिस्टर मेल आईडी है नेमचीप में, जिस मेल आईडी से आप रजिस्टर किया उस मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, ऑथोराइजेशन कोड को कॉपी कर लेना होगा। अब डोमेन अनलॉक हुआ कि नहीं उसको चेक करने के लिए होस्टिंगर को ओपन कर लेना है। ट्रांसफर योर डोमेन, यहाँ पे अपना डोमेन देना है और ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। सो देख सकते हैं मेरा डोमेन अनलॉक हो गया है ट्रांसफर के लिए। अब डोमेन ट्रांसफर के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे एंड अपना जो होस्टिंगर अकाउंट है उससे लॉगिन कर लेना है। सो यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे यूपीआई ऑप्शन मैं चूज कर लेता हूँ एंड पेमेंट कर देना होगा। सो यूपीआई ऑप्शन मैं चूज कर लिया और यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे। सो पेमेंट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डोमेन ट्रांसफर एंड डोमेन का नेम दिखाएगा। आप सेटअप पे क्लिक कर देना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपना एड्रेस दिखाएगा। सो एड्रेस को ठीक से आप देख लीजिएगा। सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईपीपी कोड मांगेगा, जो डोमेन सीक्रेट की है इस पे डोमेन का सीक्रेट की आपको देना होगा। ऑथोराइजेशन कोड भी बोलते हैं, तो ऑथोराइजेशन कोड जो कि नेमचीप के तरफ से आपका मेल आईडी पे आया था उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है, होस्टिंगर का नेम सर्वर एंड डीएनएस यूज करना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका नेम सर्वर सिर्फ चेंज करना है तो सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें जो भी नेम सर्वर आपका होगा वो सेम रहेगा एंड डीएनएस भी सेम रहेगा। सो यहाँ पे मैं नेम सर्वर को चेंज एंड डीएनएस को चेंज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो नेम सर्वर है वो क्लाउड फ्लेयर में है। सो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चूज करूँगा। उसके बाद ट्रांसफर डोमेन पे क्लिक कर देना है। Now click on continue. So domain transfer started. So देख सकते हैं so domain transfer start हो चुका है। एक mail आएगा आपके mail ID पे फिर से, देख सकते हैं ये mail आ चुका है। यहाँ पे आपको first जो देख सकते हैं, if you want to speed up the transfer process, please go to our website. So इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद और कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है एंड डोमेन आपका ट्रांसफर हो जाएगा
होस्टिंगर अकाउंट पे। जैसे कि देख सकते हो मेरा डोमेन ट्रांसफर हो चुका है होस्टिंगर में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।